हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया। कहते हैं ना कि भाई, जब किसी के बारे में सर्च ज़्यादा होने लगे तो समझ जाओ उन्हें जो है तो प्रोजेक्ट मिलने वाला है, या सोशल मीडिया में उनके नाम का कुछ ज़्यादा ही चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में जब नागिन ख़त्म होने को होता है या नागिन शुरू होने को होता है तो सबसे ज़्यादा उसमें सर्च होता है, अगर नागिन ख़त्म होने को है, कि कौन सी सुपर हिट नागिन रही हर सीज़न में, या फिर कौन बेस्ट ब्यूटीफुल रही, या किसकी स्टोरी बेस्ट रही, किसने टीआरपी अच्छी दी, कौन मोस्ट पॉपुलर रहा। ये सबसे ज़्यादा सर्च होता है। और अगर मतलब नागिन आने वाला है तो सबसे ज़्यादा सर्च होता है कौन है नागिन, एकता की इस बार की नागिन कौन बनेगी। तो बहुत सारी हसीनाएं बनती रहती हैं, नाम आते रहते हैं, लेकिन चेहरा तो अचानक से ऐसा दिखता है जिसका आइडिया तक नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में भाई एकता है, क्योंकि उसे पता है कैसे सर्चिंग करानी है, क्योंकि इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम हो गया उन्हें काम करते हुए, या कहें कि टीवी शो की शुरुआत ही उन जैसों ने की है। तो ऐसे में वो जानते हैं कि जो है पब्लिक क्या देखना चाहती है, पब्लिक क्या सर्च कर रही है, पब्लिक सबसे ज़्यादा क्या देखती है, वो कहीं ना कहीं करते हैं। लेकिन आजकल उनके शो की तरफ कम फोकस है, ज़्यादा जो है उनका फोकस क्या बताएं कि ओटीटी की तरफ ज़्यादा है। तो ऐसे में जो है न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है आपकी, हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर सुपर स्टाइलिश नागिन कौन है। भाई सारे सीज़न की देख के उनमें से दो नाम सामने आए हैं कि निया शर्मा है या फिर तेजस्वी प्रकाश है। बहुत सारी नागिन आई हैं, क्योंकि नागिन 6 का सीज़न देख रहे हैं आप, तो 5 देखा, 4 देखा, 3 देखा, 2 देखा, 1 देखा। लेकिन इन दो का ही नाम सामने क्यों आया? क्योंकि इन्हीं की वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई थी और फिर नॉमिनेशन में ये दो डाली गई हैं। अब इन दो में से पूछा गया है हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर सुपर स्टाइलिश नागिन, तो ऐसे में किसे हो रही है गूगल पे सबसे ज़्यादा वोटिंग। आपके माइंड में सबसे पहला सवाल आएगा, यार पक्का तेजस्वी को हो रही हुई? तेजस्वी का नाम नहीं आ रहा है, निया शर्मा का नाम आ रहा है कि इतने स्टाइलिश है, अपने स्टाइलिश से कई बार ट्रोल भी हो चुकी है। इनकी ड्रेस, इनका लुक सभी को पसंद आता है, लेकिन कई बार अवार्ड फंक्शन में ट्रोल हो गई है। भाई ट्रोल की वजह से इनके पॉइंट कम हुए हैं, और ऐसे में जो है उस वजह से तेजस्वी के पॉइंट बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी निया शर्मा के पॉइंट ज़्यादा हैं। निया शर्मा के अभी भी पॉइंट ज़्यादा हैं। अगर इनमें से आपको लगता है कि तेजस्वी प्रकाश बेस्ट है, या किसी को लगता है निया शर्मा जो है ज़्यादा स्टाइलिश है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि जो है आपकी न्यूज़ भी गूगल तक पहुंच जाए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।